आदर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। मुझसे यदि कोई पूछे कि भागवत गीता में तुम्हें सबसे अच्छा और अनमोल क्या लगा, तो ऐसे में मैं प्यारे दोस्तों मेरा एक ही जवाब होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु जी की शरणागति ही पापनाशनी भवतारिणी शांति और मोक्ष प्रदायिनी अति सहज और गारंटीड मार्ग है। वैसे तो श्री भागवत गीता अनंत ज्ञान और का अनंत भंडार है, जिसमें सभी वेदों का सार समाया हुआ है। इसमें शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति, भक्ति आदि प्राप्ति के बहुत से मार्गदर्शन दिए हैं श्री भगवान ने, परंतु शरणागति को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि माया से अभयता तभी मिल सकती है जब हमें भगवान की शरण मिल जाए। भगवान की शरणागति के बगैर हम कोई साधना भी करें तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कब हमें माया रूपी कौन सी भावना अपनी गिरफ्त में ले ले, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। भगवान को अपना गुरु मानने के बाद अब तक के अनुभवों के माध्यम से श्री भगवान ने मुझे यही दिखाया कि जगत व्यापी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इतने प्रभावशाली और पिछड़ होते हैं कि क्षण भर में ही हमारी बुद्धि को संक्रमित कर अपने दुष्प्रभाव में ले लेती हैं और हमारे जीवन के मूलधन हमारे कर्म को दूषित कर देती हैं। प्यारे दोस्तों, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, ये बुराइयाँ ही हमें बुरा बनाती हैं और इन बुराइयों से बचने का परमात्मा के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई सहारा प्रभावशाली नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, समस्त ब्रह्मांड के रचयिता हैं। जब हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अपना संपूर्ण अहंकार अर्थात निष्पक्ष भाव से अपने जीवन नैय की पतवार परमात्मा को सौंप देते हैं, तो श्री भगवान की शरण जरूर मिलती है। भगवत शरण मिलने के बाद हमें उस परम सत्ता के साथ होने का संकेत अर्थात अनुभव होने लगता है। हे प्रिय मित्रों, इस बहुमूल्य भावना को नज़रअंदाज न कीजिएगा। इस भावना के अपनाने के बाद प्रभु कृपा अथवा प्रेरणा से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तो आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आपका ये सेवक शिव प्रसाद कैसा अनमोल प्रसाद बांट गया था। प्यारे दोस्तों, श्री भगवान के द्वारा वैराग प्रदान करने की लीला पर चर्चा करने से पहले मेरा हृदय इसी विषय पर चर्चा करने की प्रेरणा कर रहा था, अतः कर दिया। जिस मित्र को मेरे अनुभवों और विचारों में संदेह हो अथवा कुछ कहना चाह रहे हो, तो निसंकोच अपनी बात को रख सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं इस शरणागति की भावना को आपके हृदय में बसाने का इच्छुक हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके हृदय में श्री भगवान की और उनकी शरणागति के प्रति किसी प्रकार की शंका अथवा संदेह रहे, शेष रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं मन की अस्थाई शांति, प्रेम, आनंद और मोक्ष, तो एक दिन एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण की इस प्रार्थना को जरूर कीजिएगा। हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे विधाता, ये संसार आपको भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है। कोई अल्लाह कहता है तो कोई ईश्वर, कोई ईसा पुकारता है तो कोई वाहेगुरु, परंतु हे नाथ, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैय की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर सहृदय प्रणाम। जय श्री हरि।